खुशखबरी ये है कि भाई हमारा घर हो गया, गाड़ी हो गई, और क्या चाहिए अमेरिका में। खुशखबरी ये है कि भाई हमारा घर हो गया, गाड़ी हो गई, और क्या चाहिए अमेरिका में। नया आदमी जब अमेरिका आता है तो बहुत सारे ख्वाब लेके आता है कि मैं वहाँ जब जाऊँ तो अच्छा कमाऊँ, अच्छा खाऊँ, और उसके साथ मेहनत मजदूरी करके अपना घर बना लूँ, गाड़ी हो। तो और भाई क्या हो, आते ही घर गाड़ी सब कुछ हो गया। और यहाँ कितनी टफ़ लाइफ है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अमेरिका में हर बंदा, ख़ास तौर पर जो देसी लोग हैं, जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो दीगर हमारे साइड के जो कंट्रीज़ हैं उनसे आते हैं, तो वो आने के चंद दिन तक तो फारिग होते हैं, उसके बाद लगे रहते हैं, कमाते रहते हैं। और ज़ाहिर है डॉलर्स चाहिए यहाँ रहने के लिए, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, ख़ास तौर पर हमारे देश से, वो तो इजीली यहाँ हर चीज़ बाय कर लेते हैं, फ़ौरन आते हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। करोड़ों की तो ले ही लेते हैं, लेकिन अरबों रुपए की भी प्रॉपर्टीज़ उनकी यहाँ खुफिया तरीके से ली हुई हैं। जो आम आदमी हैं, जिनको एक तो वीज़ा मिलता नहीं, और मिलता है तो यहाँ जब आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं कि किसी तरह लीगल हो जाएं। और लीगल होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद सब ज़्यादा चीज़ें ली जाती हैं। मैं असल स्टोरी पर बाद में आऊँगा, आपको अभी टूर करा रहा हूँ अपने घर का, और उसके साथ जो गाड़ी ली है उसका। और आप ज़रूर देखिएगा आखिर तक, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये गाड़ी ली है और मुझे वाइट रंग पसंद है, इसलिए मैंने वाइट गाड़ी ली है। इसमें ऑलरेडी थोड़े स्क्रैचेस हैं, और लेकिन चलाने में बहुत अच्छी गाड़ी है। इस तरह से ये नेबरहुड है, पड़ोस है, यहाँ खामोशी होती है। जो जितने लोग यहाँ रहते हैं उन सब के पास एक गाड़ी नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 2-3-4 गाड़ियाँ भी हैं। जितने लोग घर में हैं उन सबको गाड़ियों की ज़रूरत होती है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, और ख़ास तौर पर ह्यूस्टन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ह्यूस्टन में हूँ, शुगरलैंड और ह्यूस्टन के बॉर्डर पर। यहाँ आप जब आते हैं, यहाँ लोग जो शिफ्ट होते हैं उनको पहली ज़रूरत यहाँ घर से भी ज़्यादा गाड़ी की होती है। गाड़ी नहीं है तो आप समझें कि माजूर हैं और मोहताज हैं, आप कहीं मूव नहीं कर सकते। आज सुबह से नहीं, लेकिन कल से यहाँ तूफ़ानी हवाएं भी चल रही हैं, मौसम बदला है, पहले गर्मी थी, फिर सर्दी, फिर गर्मी, इस तरह से चेंज होता रहा है। एक अहम बात कि जितने भी यहाँ घर बनेंगे, ये बिल्डर की ज़िम्मेदारी है कि उस घर के सामने कम से कम 2 दरख्त वो लगाएगा। और किसी को दरख्त काटने की वैसे इजाज़त नहीं होती, और इजाज़त लेनी पड़ती है यहाँ की हुकूमत से। आप देख रहे हैं ये कितना सुहाना मौसम है, आज हवाएं चल रही हैं। हम अपने गांव में थोड़ा सा बाहर उठते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, यहाँ पड़ोसियों का पता नहीं चलता। और अब आपको घर का टूर करवाता हूँ। ये घर है, और इस घर की कीमत भी आपको बताऊंगा कि ये कितने का है। ये किचन है, इसके साथ स्पेशल चीज़ जो हर घर में होती है, गैराज के साथ लॉन्ड्री भी यहाँ है। और ये है गैराज, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, गाड़ी बाहर खड़ी है, हम गाड़ी अंदर करें। ये स्टोर रूम भी समझे हैं, गैराज, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह है, आपका जितना भी स्टफ़ है वो यहाँ आएगा। बड़ी बात कि हमारे मुल्क में सीमेंट से घर बनते हैं, मतलब कंक्रीट, लोहा, और यहाँ हर घर आपको लकड़ी से मिलेगा, और लकड़ी भी ऐसी कि पता ही नहीं चलता। अब ये आपका शटर क्लोज़ करता हूँ मैं, तो
इजीली ये सारी चीज़ें ना डिफॉल्ट मतलब बाय लगाई हुई हैं। अब ये बंद हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ ओहो गिर गया भाई, गिर गया। ये हमारे यहाँ लगते नहीं है। इसके साथ मैं आपको किचन भी दिखा दिया। किचन में आज सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। यहाँ आप पानी चाहिए पानी मिल जाएगा आपको, बर्फ़ चाहिए क्यूब चाहिए टुकड़े टुकड़े वो भी मिल जाएगा, सिर्फ प्रेस करने की देर है। हर चीज़ यहाँ का सिस्टम बहुत एडवांस है, आपको मतलब किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ एडवांस है। ये हुड लगा हुआ है किचन हुड में, आप यहाँ गर्म भी करें, और अगर आप चूल्हा यहाँ कोई चीज़ कुक करते हैं तो ये आपकी बाफ को बाहर भी एग्जॉस्ट भी करता है। ये रूम छोटा सा फ़िलहाल जो बना बनाया मिला है वो है। इस तरह से बाथरूम है यहाँ, ये भी साफ़ सुथरे अच्छे बाथरूम बने हुए हैं फ़िलहाल, इनमें भी काम है। तीन बेडरूम है इसमें, ये बेडरूम है और यहाँ स्टोर है, और इनका ये एक ही वॉशरूम है यहाँ। तो ये है ड्राइंग रूम, लाउंज आप कहें। बहुत बड़ी स्क्रीन यहाँ 80 इंच की टीवी लगा हुआ है, फायरप्लेस है ये, खिड़कियाँ पर्दे। और अब दिखाता हूँ बैकयार्ड आपको, यहाँ बैकयार्ड का तो मज़ा ही कुछ अलग है, अपना शांति लगी हुई है। ये नारंगी का इन्होंने दरख्त लगाया, पौधा आप कहें, ये नारंगी का पौधा है। और ये खोबानी यहाँ पक चुकी है, अभी मौसम आपको मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, बादल आप ऊपर से छाए हुए हैं, और पड़ोस में तो ये गुलाब के फूल हैं। हैरत इस बात की है कि यहाँ आपको दीवारों के ऊपर शीशे कुछ लगे हुए नहीं हैं, बस लकड़ी की ये दीवार बनी हुई है, वो उसका घर है, ये आपका घर है। और इस तरह से ये थोड़े से आप अगर कोई जानवर पालते हैं तो उनके लिए है, वो भी कोई मुर्गियाँ शुर्गियाँ पाले तो रख सकते हैं। ये लुक है यहाँ का, पूरा सिंगल स्टोरी घर है और वो डबल स्टोरी है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ कि जब यहाँ आपको घर बना के कंपनी देती है, बिल्डर देता है, तो आपको सेंट्रली एयर कंडीशन और उसके साथ हीटिंग सिस्टम ये आपको बना के देगा, और उसके साथ कोई 10-20 साल कोई वारंटी होती है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो तो वो पाबंद है आके ठीक करके जाए। ये एसी का भी काम कर रहा है, और ये पूरे घर के अंदर आपको ठंडक चाहिए तो ठंडा रखेगा, हाई एफिशिएंसी है, और अगर आपको गर्मी चाहिए तो आपको ये हीटिंग भी देगा। ये 4-5 महीने के अंदर अंदर घर बना लेते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये लकड़ी या तो कनाडा से आती है या फिर आती है अमेरिका में, अपने भी बहुत सारे जंगलाते हैं लेकिन ये वहाँ से लकड़ी कनाडा से मंगवाते हैं, कनाडा में बहुत बड़े जंगलाते हैं। और इस लकड़ी की खासियत ये है कि ये 100 साल की इसकी गारंटी होती है कि इसको ना दीमक लगेगा ना इसमें कोई डैमेज अगर होगा तो वो बना के देंगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी लाइफ है 100 साल की। इस तरह इसमें भी ये छोटा सा है, ये आप देखें इसमें एग्जॉस्ट है, अगर आपको हीटिंग हो या क्या तो वो बाहर से हवा इधर से निकलती रहे। अंदर भी इस तरह से जालियां लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट आपको ऐसा नहीं है कि दम घुट जाए लोग मर जाएं। हमारे मुल्क में तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जब लोग मरी और कागा नारान जाते हैं वहाँ होटलों में ठहरते हैं, रात को गैस भर जाती है तो मर जाते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो हुकूमतें हिल जाती हैं, इस तरह का नहीं है। और ये फूल यहाँ की खूबसूरती, ये अच्छा लग रहा है। ये घर है उस तरफ, मतलब के क्या कहेंगे इसको, एक कॉर्नर होता है, सेमी कॉर्नर।
केबल गुजर रही है, तो इन्होंने वहाँ कशन लगाए हुए हैं कि आप यहाँ एहतियात करें, कोई खुदाई ना करें। पूरा अमेरिका एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसा ही है, कोई लफड़ा नहीं है इस तरह कि आपको कोई तंग करे। हाँ, जो कुछ साफ आम लोगों के इलाके हैं वहाँ तो पुलिस तक नहीं जाती, वहाँ लोग डरते हैं ख़ास तौर पर कि भाई नहीं रहें, लेकिन अगर आपको उनके साथ दोस्ती हो जाए तो वो आपका तहफ़ भी करते हैं, वो बहुत अच्छे भी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपको तहफ़ दिया हुआ है, यहाँ कोई आपके घर में इंटर हो जाए आप उसको कत्ल कर सकते हैं और शूट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ होनी चाहिए आपके घर के हदूद में। ऐसा नहीं कि वो बाहर हो और आप कहोगे नहीं, या तो आधा अंदर हो या आधा बाहर हो। इस तरह का टैक्सेस का कानून है कि आपके घर में कोई घुसे आप उसको शूट कर दें, पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। तहफ़ का ये सेंस है कि असला यहाँ बगैर लाइसेंस के लोगों के पास पड़ा हुआ है घरों के अंदर। लोग तहफ़ के लिए गाड़ी में कैरी करते हैं तो शायद उसके लिए कोई कानूनी परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपको असले के लिए परमिशन नहीं। इसलिए यहाँ का गन कानून जो है, गन लॉज जो बड़े कंट्रावर्शल हैं, मारधाड़ हो जाती है। अभी जैसे सबवे में फायरिंग हुई है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, 6 लोग हलाक हो गए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए। तो क्राइम तो दुनिया के हर कोने में होता है, लेकिन सुकून ये है कि आपका घर है, गाड़ी है, सब कुछ है तो बेहतर है। दूसरी अहम बात यह है कि इस एरिया में ह्यूस्टन के और शुगरलैंड में बहुत सारा देसी माहौल है। आपको आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी, हर चीज़ खाने पीने की आपको यहाँ जो अपने मुल्क में मिलती हैं वो यहाँ मिलेंगी। इंडिया पाकिस्तान दोनों यहाँ इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका कोई फ़र्क नहीं है। काम के लिए मैं अभी आऊँगा बाद में कि काम यहाँ भाई कचहरियों के लिए गप्पे मारने के लिए कोई टाइम नहीं है। मतलब कमाते जाओ कमाते जाओ, डॉलर चाहिए आपको डेली। 10 घंटे तो आप काम करेंगे आप इतना नहीं कमा सकते, तो 12 घंटे लगे रहें। आपके सबसे बड़ा जो यहाँ इशू आता है, फिर आप अपने घर को टाइम इतना नहीं दे पाते, जब आप वापस आते हैं तो टूट के सो जाते हैं। मतलब बच्चों को टाइम ना देना। अब कुछ लोग इस उम्र में आ गए कि जिनके बच्चे जवान हो गए, उन्होंने बचपन में सिर्फ बाप को माँ को काम से आते हुए देखा है, उसके बाद वो बड़े हो गए और वो अलग हो गए। यहाँ तन्हाई ज़्यादा है, वीराना ज़्यादा है। वजह यह है कि काम पे होते हैं, कमाते हैं और शाम में आते हैं तो टूट जाते हैं, सो जाते हैं। फिर सैटरडे संडे गोरे तो अपना एंजॉय करने चले जाते हैं, आरवी गाड़ियां लेके उसी में सोते हैं, उसी में खाते हैं, उनको पैसे की नहीं है इतनी परवाह। लेकिन जो हमारे देसी भाई हैं तो उनके ज़्यादा टारगेट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बना ली, बिलियनियर भी हो गए, लेकिन काम 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 और पैसा पैसा पैसा। जो स्ट्रगल से निकल चुके हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी इसी में होते हैं कि यार इधर से कलेक्शन करनी है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। घर में गाड़ियां दे रखी हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, कोई उनका अता पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने इस्लामी तालीम भी रखी है, दीनी तालीम दे ली है, माँ बाप की कदर करते हैं, माँ बाप के कहने में होते हैं। बाकी जो मेजॉरिटी है उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है, और ख़ास तौर पर बच्चियों का। तो जब यहाँ लोग आते हैं तो उनको कमाने की ज़्यादा होती है, टारगेट बहुत होते हैं, पैसे कमाने होते हैं, किराए देने होते हैं, सब कुछ करने होते हैं, लेकिन आखिरी चीज़ जो उनसे रह जाती है कि यार हमने गोल्डन टाइम गंवा दिया, बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, तो अब हमें जब वक्त आया है टाइम देने का, पैसा भी हो गया तो बच्चे नहीं हैं। जो आपको अगर पार्टी करनी है, कुकिंग करनी है, बारबेक्यू बनाना है, ये जगह है बारबेक्यू का, यहाँ बना सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं, रात को लाइटें लगा लें, बहुत मज़ा आता है रात को लाइटें लगा के बैठने का। और ये जो घर है, यह इस घर की कीमत तकरीबन कोई $4 लाख होंगे यहाँ के, और पाकिस्तान के अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो बनेंगे 7.5 करोड़ रुपए या 8 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और ज़ाहिर है वहाँ से पैसा लेके आना भी बड़ा मसला होता है, तो इसलिए यहाँ लोग क्या करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं बैंकों को और बाकी बैंक फाइनेंस करता है और आप घर जल्दी ले लेते हैं।
और आप उनको फिर जैसे रेंट होता है इस तरह रेंट की तरह आप उनको पैसे वापस करते हैं। तो ये है सारा घर का टूर आज आपको दिखा दिया है भाई कि घर कैसा है, हम जिस घर में रह रहे हैं वहाँ क्या सहूलियात हैं, पड़ोस कैसा है, क्योंकि ये हमने अपने दोस्त असगर पठान से लिया है और किराए पे लिया है। ये मत समझें कि मैंने कोई ख़रीद लिया है, मैं कोई इतना भाई आते ही कोई घर खरीद ही नहीं सकता। और ये हमने रेंट पे फ़िलहाल लिया है कुछ दिनों के लिए। उसके साथ जो गाड़ी आपको दिखाई है मैंने, वो गाड़ी भी मैंने रेंट पे ली है। यहाँ हर चीज़ रेंट पे आपको इजीली मिल जाती है, आप जाएँ अपना डॉक्यूमेंट दें और ले लें। तो हमने 3 दिन के लिए गाड़ी ली है और ये घर कुछ दिन के लिए लिया है। यहाँ हम इसलिए रह रहे हैं कि अपना खाएं, अपना पकाएं, और होटलों में तंग हो जाते हैं आप होटल का खाना मंगवा के ना, तो ये हालत हो गई है कि पूरा चेहरा जो है वो वॉलीबॉल बना हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और यार ये मत सोचें मेरी उर्दू ठीक है नहीं है, उर्दू में सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है कम से कम मैसेज दे रहा हूँ। और मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर तो हूँ नहीं, खुद ही वीडियो एडिट करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। जो ये कमी पेशियाँ हैं इनको आप दरगुजर करें, नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें और सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूँ।